यादें या स्मृतियां सचल और सानिध्यदायक होते हैं। अपने प्रियजनों के सुंदर स्मृतियों के हिस्सा बनना और हमारे अपनों के पहचान में बने रहना भी लायक की बात है। 20-25 साल बाद एक यात्रा दौरान पुराने मित्र से मिलन, उस भूतपूर्व बुजुर्ग शिक्षक का अपने बेस्ट स्टूडेंट के परिचय पहचान, मृत्यु शैया के अंतिम खड़ी में प्रिय पिता के सचेत संचार या कॉन्शियस कम्युनिकेशन आदि हृदय स्पर्शी है। सुंदर स्मृतियां उदात है और जानबूझकर भूल एक अपराध भी। मेमोरी इज ए गिफ्ट, क्योंकि अगर मानव मस्तिष्क के क्षति हो जाए तो चुटकी भर में हर यादें गायब हो जाते। मिस्टिसिज्म या रहस्यवाद में प्रणय मोहब्बत के संदर्भ से रचित एक कविता की सारांश इस प्रकार है। एक युवक अपने प्रणयिनी से मिलने उनके घर द्वार पहुंचे। बहुत छोटी सी एक झोपड़ी, द्वार पर खटखटाया। बाहर कौन है? युवक ने बोला, ये मैं हूँ। लेकिन उसने कहा, जाओ यहाँ से जाओ, ये झोपड़ी तो बहुत ही छोटी है और यहाँ पर मैं ही बड़े कष्ट से सर बसती हूँ। उस वक्त वह चला गया। सालों साल वे घूमे फिरे अपने महबूब के याद में, उनके नाम लेते हुए, उनके भजन प्रदक्षिणा करते हुए। साल समय बीत गए, वह बूढ़ा हो चुके थे। घूमते फिरते फिर से उस पुराने झोपड़ी के ही सामने पहुंचे। कैसे भूले ये रास्ते, ये गलियां और ये मोड़े। द्वार पर खटखटाया, बाहर कौन है? बहुत धीमी आवाज, तब तक वे भी बूढ़ी हो चुकी थी। मन में संकोच आया, डर भरा। हे ईश्वर, 60-70 साल पहले भी इन्हें यही सवाल पूछा था, बाहर कौन है? अब तो हिम्मत भी नहीं है। एक पल वे अपने आंखें बंद की, स्वयं से पूछा, मैं कौन हूँ? कुछ पल के गहरे सोच के बाद उसने कहा, आपको जानना है ना, यहाँ कौन खड़ा है? ये तो आप ही है जो इस द्वार पर खड़ा है। बीते 60-70 साल से मैं आप में ही गुजरता हूँ, आपके बारे में सोचता हूँ, बोलता हूँ और चलता फिरता हूँ, और ये तो स्वयं आप ही है। अब पीटर से भी आवाज बड़े रोधन के, ईश्वर आखिर वे मुझे पहचान ले हैं। शायद ऐसे कुछ गहन चिंतन के पृष्ठभूमि से प्रकाशमान होकर सन पौलुस कहते हैं, इट्स नो लॉन्गर आई हु लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। सालों पूर्व युवा अवस्था में ही उनके लिए उन्हीं के ही नाम पर की गई ये समर्पण घोषण, उनके बदले बनने का ये पुरोहिदाई, जीवन साथी के हाथ लेकर चल निकले ये वैवाहिक जीवन यात्रा, दूर दूर तक चले फिरे, अथक परिश्रम किए, बहुत कुछ बोले सुने और सुनाए, तन मन शरीर के त्याग तपस्या निग्रह। आखिर क्या वह मुझे पहचान पाएगा या नहीं? हे ईश्वर, मेरी ये विनीत प्रार्थना है, इस जीवन के अंतिम मुख्य घड़ी में जब जीवन की परख होगी, उस वक्त आप मुझे जानिए, पहचानिए और अपनाइए।